हाय गाइस, टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ हिंदी भवन। हम बात करेंगे लक्ष्मण राव जी के साथ। लक्ष्मण राव जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैंने 24 पुस्तकें लिखी है और मैं अपना घर चलाने के लिए चाय बेचता हूँ। और मुझे दिल्ली में आए हुए 40 साल हो गए। मैं 1975 में मैं दिल्ली आया था और मुझे एक लेखक बनना था। लेखक बनने के उद्देश्य से मैं दिल्ली आया हूँ, पर इस लेखक बनने के लिए मुझे न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, जो अब दिखाई दे रहा है। और इसका मुझे प्रतिफल भी मिला। जब मैं दिल्ली आया था 1975 में, उस टाइम मैं 2 कपड़े और 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लेके आया था। और यहाँ आकर मैंने ढाबों पर बर्तन साफ किए, भवनों पर मजदूरी की, पान बीड़ी सिगरेट भी बेचा, और उसके बाद फिर मैंने चाय का काम भी चालू किया। और लोग पूछते थे, पत्रकार आकर मुझसे पूछते थे, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तब मुझे लगा कि मैंने कुछ पढ़ना भी चाहिए। तब मैंने 11वीं 12वीं से पत्राचार विद्यालय से 11वीं 12वीं की, फिर मैंने दिल्ली सिटी से बीए किया और मैं अभी भी इग्नू से एमए कर रहा हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ हिंदी लिटरेचर से, और जुलाई में मैं पेपर दूंगा। तो ये मेरा शैक्षणिक जीवन है। और जहाँ संघर्ष की बात है, तो मैंने सारा अनुभव लिया प्रकाशन से लेकर बिक्री तक, और यही आज मेरे काम आ रहा है। जबकि मैं पहली बार जब किताबें प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक के पास गया था, तो उन्होंने मुझे गेट आउट कहा था। तो मैं प्रणाम करता हूँ उनको कि उनकी वजह से अब इतनी सारी मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। और पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए केवल धनी होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ी मेहनत है मार्केटिंग की। तो वो भी मैं यहाँ से ITO क्षेत्र से, यहाँ मेरी दुकान है ITO क्षेत्र में, और यहाँ से मैं प्रीतमपुरा, विकासपुरी, तिलक नगर, यहाँ तक साइकिल से जाता था और अपनी किताबें बेच के आता था। आज मेरे वही मेरा मार्केटिंग काम आया। और मेरी यहाँ से 10,000 रुपये की किताबें हर महीने बिक जाती है। हर पुस्तक की कीमत 300 रुपये है और 200 रुपये में मैं देता हूँ। इसी तरह से अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, यहाँ पर भी मेरी पुस्तकें बिक रही है। और अब मुझे सफलता मिल रही है। मेरे 2 बेटे हैं, एक CA कर रहा है, फाइनल ईयर में है, दूसरा लड़का MCOM कर रहा है। इस तरह से मेरे परिवार का है। उनकी माता जी घर में रहती है, मतलब मेरी पत्नी घर में रहती है, तो हम किराए के मकान में रहते हैं। अभी हमने मकान नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली में मकान की समस्या थी, और अब शायद बने या ना बने वो बात अलग है, पर हम अपने जीवन में बहुत खुश है। और दिल्ली में जिस उद्देश्य से मैं दिल्ली आया था, वो उद्देश्य मैंने पूरा किया, क्योंकि मुझे एक लेखक बनना था, वो मैंने बन के दिखाया। साथ साथ मैंने अपने एजुकेशन को भी देखा, और ये सब करके इस अनुभव को लेकर मैं आज के पीढ़ियों को, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप अपने अपेक्षा को रखो, अपने ध्यान को रखो, आपने क्या करना है उसके तरफ अपना लक्ष्य रखो। लक्ष्य आपके सामने है, अपेक्षा भी मत करो, प्रतीक्षा भी मत करो। जब आप कामयाबी तक पहुंच जाओगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ये मैं आज के बच्चों को कहना चाहता हूँ। As you can see, लक्ष्मण जी इज नॉट अ फ्री गाय, ही इज वेरी बिजी। इनफैक्ट हिज टीम मेकिंग कीप्स हिम क्वाइट एंगेज्ड। A lot of customers are coming, so I think I should take my leave from him now. Sir, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि आपकी जैसी सोच है, जिस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, अगर वैसे बहुत सारे लोग भारत के सोचने लग गए, तो हमारा विकास दूर नहीं है, देश बहुत आगे निकल जाएगा। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा देश आगे जाए, किसी भी मेहनत करके आगे जाए, तो सबके सपने पूरे हो सकते हैं।